नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्ज्वल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। ऑल यू नीड इज द डिजायर टू अचीव। उम्मीद है आप इस बात के मतलब को आप समझते होंगे। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यू नीड टू क्रिएट द विल, यू विल फाइंड द वे टू बी व्हाट यू वांट टू बी। यही है इस लाइन का मतलब। तो बात कर रहे थे हम लोग थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की, और बात की थी लास्ट लेक्चर में हमने अबाउट मशीनेबिलिटी एंड द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग मशीनेबिलिटी। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की थोड़ी डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं कटिंग फ्लूइड्स की। ठीक है, देखिए कटिंग फ्लूइड्स की बेसिकली दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से आप यूज करते हैं। द फर्स्ट रीजन इज टू एक्ट एज ए कूलेंट, क्योंकि आप देख चुके हैं टूल लाइफ के डिस्कशन के दौरान कि टेम्परेचर एक मेजर रोल प्ले करता है फॉर योर अफेक्टिंग द टूल लाइफ। ठीक है, तो टेम्परेचर को कम कर सकता है द यूज ऑफ योर कटिंग फ्लूइड। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द चिप टूल इंटरफेस। ठीक है, आप जब हाई स्पीड से मशीनिंग कर रहे होते हैं तो काफी हाई रेट से आपकी चिप्स जनरेट होती है। ठीक है, तो चिप्स जनरेट जो होती है उसे वहां से डिस्पर्स करना भी बहुत जरूरी है ताकि आपकी जो कटिंग ऑपरेशन है उसमें कोई फॉल्ट ना आए, कोई फ्लॉ ना आए। ठीक है, तो इसे दूर करने के लिए भी यूज करते हैं हम लोग कटिंग फ्लूइड। अगर कुछ कॉमन मटेरियल्स के रेफरेंस में बात करें हम लोग, तो आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किस कटिंग कंडीशन में किस तरीके की फ्लूइड यूज की जा सकती है। पहली एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम लोग कास्ट आयरन की। अगर कास्ट आयरन के मशीनिंग ऑपरेशन के बारे में थोड़ी डिस्कशन करें तो एट लोअर स्पीड जो कास्ट आयरन की मशीनिंग होती है वो ड्राई मशीनिंग की जाती है, बट एट एलिवेटेड टेम्परेचर और एट हायर स्पीड आप कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए और फॉर ग्राइंडिंग अ कास्ट आयरन वर्कपीस वी ऑफन यूज सोलेबल ऑयल एज अ कटिंग फ्लूइड। ठीक है, वी ऑफन यूज सोलेबल ऑयल एज अ कटिंग स्पीड। अगर थोड़ी डिस्कशन हम लोग ब्रास के ऊपर करें तो एट लोअर स्पीड ब्रास इज ऑल्सो मशीन्ड ड्राई विदाउट यूज ऑफ एनी कटिंग फ्लूइड मशीनिंग की जाती है ब्रास की एट लोअर स्पीड। बट इफ रिक्वायर्ड आप यूज कर सकते हैं मिनरल ऑयल विथ और विदाउट ईपीए। ईपीए बेसिकली एक कटिंग फ्लूइड मिक्सचर है जिसे एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स कहते हैं। ठीक है, आप ईपीए को यूज करके और बिना यूज किए हुए भी यूज कर सकते हैं सोलेबल ऑयल को फॉर एज अ कटिंग फ्लूइड इन केस ऑफ मशीनिंग ऑफ ब्रास एट हायर स्पीड। अगर थोड़ी डिस्कशन अल्मोनियम के ऊपर करें तो एट लोअर स्पीड अल्मोनियम की जो मशीनिंग है वो भी आपकी ड्राई मशीनिंग ही की जाती है, बट एट हायर स्पीड यू कैन यूज अ मिक्सचर ऑफ सोलेबल ऑयल विथ मिनरल केरोसिन ऑयल विथ सोलेबल ऑयल और मिनरल ऑयल इन केस ऑफ अल्मोनियम। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ आपको मेंशन की हुई है। ठीक है, केरोसिन ऑयल विथ मिनरल ऑयल और सोलेबल ऑयल। ठीक है, अगर अल्मोनियम अगर स्टील और हाई हीट रेसिस्टेंस एलॉयज की थोड़ी डिस्कशन करें तो यहाँ बहुत कॉमनली यूज की जाती है आपकी सोलेबल ऑयल और नीट ऑयल विद हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीनेटेड ईपीएफ। ठीक है, अगर थोड़ी डिस्कशन हम लोग स्टील और हाई हीट रेसिस्टेंस अलॉयज की करें तो वहां सोलेबल ऑयल और नीट ऑयल के साथ क्लोरीनेटेड ईपीएफ को बहुत कॉमनली यूज किया जाता है एज अ कटिंग फ्लूइड। यहाँ के हमारे लेवल तक, मतलब अप टू द लेवल ऑफ बीटेक एंड यूपीएससी, इन पॉइंट्स को जनरली कभी कभी पूछ लिया जाता है, बट इनसे ऊपर की चीजें कटिंग फ्लूइड के बारे में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं अबाउट टूल फेल्योर।
देखिए, टूल फेल्योर बेसिकली एक कंडीशन है जब आपकी कटिंग टूल कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लायक नहीं होती है, ठीक है। और अब अगर इस कटिंग फेल्योर के बारे, टूल फेल्योर के बारे में थोड़ी और ब्रॉडर डिस्कशन हम लोग करें, तो दो तरीके की फेल्योर को डिफाइन किया जाता है। एक तो है आपकी स्लो फेल्योर, जिसे स्लो डेथ भी के नाम से भी ऑफन कहा जाता है, डिनोट किया जाता है। एक दूसरी है आपकी सडन फेल्योर, ठीक है। अगर सडन फेल्योर की बात करें तो सडन फेल्योर के पॉइंट को ये एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता है कि कब और कैसे इसकी फेल्योर हो जाएगी, ठीक है। बट अगर स्लो फेल्योर की बात करें हम लोग, स्लो फेल्योर की डिस्कशन करें, तो स्लो फेल्योर को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। एक तो आपकी फेस वियर है, जिसको क्रैटर वियर के नाम से डिफाइन किया जाता है, और दूसरी आपकी फ्लैंक वियर है। देखिए, ये कटिंग टूल की पार्ट है, ये आपका फेस है, ये फ्लैंक है, दोनों साइड इंड फ्लैंक, साइड फ्लैंक, ये सारी चीजें तो आपको टिप ऑफ द टंग होगी, ठीक है। और तो फ्लैंक वियर अगर हो रही है, फ्लैंक पार्ट पे अगर वियर हो रही है, तो उसे एज ए फ्लैंक वियर डिफाइन करते हैं, और फेस पे अगर वियर हो रही है, तो उसे एज ए क्रैटर वियर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है, ये सारी पॉइंट मैंने मेंशन कर रखी है यहाँ, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपकी जो ये टूल फेल्योर हो रही है, इनकी मैकेनिज्म क्या हो सकती है, ठीक है। मैकेनिज्म कई हो सकती है, एक मैकेनिज्म आपकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकती है, दूसरी आपकी ब्रिटल फ्रैक्चर हो सकती है, तीसरी आपकी एज चिपिंग हो सकती है, और एक और फेल्योर मैकेनिज्म है फैटिक फेल्योर, फैटिक फ्रैक्चर, फैटिक फेल्योर या फैटिक फ्रैक्चर एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से तीन चार मैकेनिज्म डिफाइन किया गया है बाय विच द टूल्स ऑफ फेल, ठीक है। बट इस बात को एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि कौन सी टूल किस मैकेनिज्म के थ्रू फेल करेगी, मतलब कौन सी मैकेनिज्म डोमिनेट करेगी फॉर द फेल्योर ऑफ योर टूल, और आपकी टूल कब फेल करेगी, इस बात को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। सडन फेल्योर के केस में तो और भी ज्यादा मुश्किल है, बट यहाँ स्लो फेल्योर के केस भी मुश्किल है। बट अगर स्लो फेल्योर के केस में थोड़ी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन की जाए, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की जाए, तो फेल्योर के पहले समझ में आ जाती है कि टूल वियर हो चुकी है, इसकी रिग्राइंडिंग अब हो जानी चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हैं। अब देखिए, पूरी की पूरी जो टूल वियर की पार्ट है, इन्हें तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। पहली पार्ट है हमारी क्रैटर वियर, ठीक है। पहली पार्ट है हमारी क्रैटर वियर, वेयर द क्रैटर फॉर्म्स ऑन द फेस। इस पार्ट पे आपकी वियर जनरेट हो रही है, और इस तरीके से आपकी क्रैक्स के बेसिस पे आपकी जो वियर है वो विजिबल होती है, और कभी कभी ये क्रैक प्रोपगेट कर जाती है नीचे, और आपकी टूल इस एंड से टूट के अलग हो सकती है, फ्रैक्चर्ड हो सकती है, ठीक है। इसकी डेप्थ मेजर की जाती है, एच ये क्या है, क्या नहीं है, क्यों होती है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं, सारे कुछ बहुत सारा कुछ हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक वियर डिफाइन की गई है फ्लैंक वियर, जब आपकी ये फ्लैंक पार्ट जो है, ये वर्टिकल इंक्लाइन पार्ट जो है, वहां आपकी अगर वियर ऑब्जर्व हो रही है, तो उस पार्ट को डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैंक वियर। और तीसरी पार्ट है आपकी चिपिंग की, ठीक है। तो चिपिंग दो तीन तरीके की डिफाइन की गई है, फ्लैंक की चिपिंग है, क्लियरेंस चिपिंग है, और एक एज चिपिंग है, ठीक है। तो इस चीज की भी डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे, बट चिपिंग क्या होती है पहले वो समझ लीजिए, ठीक है। ये आपकी क्या है, कटिंग एज है, साइड कटिंग एज है, एंड कटिंग एज है। जब आप लगातार किसी कटिंग टूल से मशीनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली ये जो एंड है आपकी कटिंग एज जो है, ये वियर अवे हो जाती है, मतलब इसकी शार्पनेस कम हो जाती है, ठीक है। और ग्रेजुअली ये कन्वर्ट हो जाती है एक ऐसी सरफेस में, इस पॉइंट पे जहां ये जो एज है वो गायब हो जाएगी, ठीक है, वियर्ड आउट हो जाएगी, और इस तरीके से एक सरफेस यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो छोटे चिप्स के फॉर्म में ये वियर आउट होती है, तो इस तरीके की वियर आउट को हम लोग एज अ
इज बियर डिफाइन करते हैं, चिपिंग ऑफ ऑफ कटिंग इज डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसकी भी डिस्कशन हम लोग करेंगे इंडिविजुअली, तीनों पॉइंट की काफी डिटेल डिस्कशन अभी हम लोग आने वाले दो तीन लेक्चर के अंदर करेंगे। तो उम्मीद है चीजें यहाँ पे क्लियर है, अगर आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे और चीजें आपको क्लियर भी होंगी। अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज लेट मी नो, टेलीग्राम की ग्रुप है हमारे पास, व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर हैंडल इज देयर एंड ईमेल अकाउंट इज देयर एंड कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर चीजें आपको समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यू ऑलवेज नो दैट द कमेंट एंड लाइक इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, सो डोंट एब्स्टेन फ्रॉम कमेंटिंग एंड लाइकिंग द वीडियोस। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, बात करेंगे कुछ और डिटेल में। थैंक यू, जय हिंद।